हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जाने वाले असम के पूर्वी भाग में स्थित धीमाजी डिस्ट्रिक्ट के सफर पे। धीमाजी जो कि उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वहीं इसके पश्चिमी छोर पर लखीमपुर स्थित है। इस जिले की आबादी 686,000 से भी अधिक की है, जो कि 3,337 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है। इस जिले का नाम डेमाजी डेवरी चुटिया सब डेमाजी से लिया गया है, जिसका अर्थ है महान पानी, जो कि इसे बाढ़ प्रवण क्षेत्र होने का संकेत देती है। यहाँ की आधिकारिक भाषा असमी है, लेकिन यहाँ बंगाली, मिसिंग और हिंदी भाषा भी बोला जाता है। यहाँ का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 915 महिलाओं का है। यहाँ 95.47% हिंदू, 2% मुस्लिम और 1% अन्य धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। धीमाजी डिस्ट्रिक्ट असम के 11 सबसे पिछड़े जिलों में से एक है, जो कि वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम से धन प्राप्त कर रहा है। हालांकि यहाँ का सिलापत्थर शहर धीमाजी डिस्ट्रिक्ट का सबसे विकसित शहर है और यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ट्रेड एंड कॉमर्स और एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं यहाँ के कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में, जहाँ आपको जरूर विजिट करने जाना चाहिए, जिसमें आप यहाँ के गेरुका मुख, मालिनी थान, माँ मणिपुरी थान, बारडोई बम, बेलमुख बर्ड सेंचुरी और आप यहाँ के विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी पर घूमने फिरने जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आइए जान लेते हैं यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। रेल मार्ग की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से दो रेलवे स्टेशन आता है, जिसमें धीमाजी रेलवे स्टेशन और सिलापत्थर रेलवे स्टेशन आता है, जिनका इस्तेमाल करके आप भारत के अन्य बड़े शहरों में आने जाने के लिए कर सकते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो ये राष्ट्रमार्ग 15 से जुड़ा है, जिससे ये अपने पड़ोसी शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। हवाई मार्ग की बात करें तो आप यहाँ के निकटतम एयरपोर्ट डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का इस्तेमाल भारत के अन्य मेजर सिटीज़ में जाने के लिए कर सकते हैं, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आप यहाँ जाने के लिए बोगीबिल ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए जा सकते हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप इस शहर के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख करके ज़रूर बताइए। और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।